हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं नाइस क्यूबिक इक्वेशन का क्वेश्चन। मैथ ओलम्पियाड का क्वेश्चन है ये। मैथ ओलम्पियाड में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा पूछा जाता है। एक्स टू द पावर 3 + x = 30, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इस एक्स का वैल्यू मैं फाइंड ऑल 3 सोल्यूशन निकालूंगी। ओके, अब वीडियो का एंड तक देगा, वीडियो के आप स्किप नहीं कीजिएगा। स्किप कीजिएगा तो आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगी मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व की हूँ। ओके, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, मैं इसको सॉल्व करूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये 30 क्या है, 30 पॉजिटिव में इधर आएगा तो नेगेटिव में हो जाएगा। एक्स टू द पावर 3 + x, ये सेम टू सेम ये पॉजिटिव में है तो इधर आएगा तो नेगेटिव। -30 = 0। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, एक्स टू द पावर 3 + x - 20। 30 को हम 27 + 3 लिख सकते हैं, = 0। अब क्या करेंगे, x टू द पावर 3 + x - - -27 + -3 = 0। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप में, इसको एक साथ इसको हम एक साथ रखेंगे। x टू द पावर 3 - 27 + x, ये -3 = 0। अब क्या करेंगे हम इसको एक साथ रखेंगे। ओके, अब क्या करेंगे हम x टू द पावर 3 - 27 को हम ये माइनस है माइनस का साइन 27 को हम 3 टू द पावर 3 लिख सकते हैं, ब्रैकेट क्लोज। अब प्लस है ये x - 3, ये भी ब्रैकेट में = 0। अब ये क्या हो गया, ये इस फॉर्मूला पे अप्लाई होता है a³ - b³। ये a हो गया, x a हो गया, ये 3b हो गया। ओके, अब क्या हो गया, अभी सो a³ - b³ = a - b (a²) + ab + b²। इसी फॉर्मूला पे हम इसको हम अप्लाई करेंगे। a³ - b³ को फॉर्म में है ये a, इस फॉर्मूला पे अप्लाई करके हम इसको सॉल्व करेंगे, पुट करेंगे फॉर्मूला पे। ये क्या हो गया मेरा a = x हो गया, अब b = 3 हो गया। ओके, अब क्या करेंगे a - b, तो a - b, a क्या है, x है, x, b क्या है, 3 है, x - 3 इंटू ए क्या है a² x² + इन दोनों में मल्टीप्लाई 3x + b² 3 का स्क्वायर, ये एज इट इज लिख देंगे, +x - 3 = 0। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे कॉमन लेंगे। x - 3 कॉमन हो गया, x² + 3x, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, इसको हम कॉमन ले लिए तो +1 हो गया = 0, = क्या हो गया 0। अब आगे क्या करेंगे, x - 3 हो गया, x² + 3x, ये ऐड करेंगे 9 1 10 हो गया = 0। अब क्या हो गया = 0 हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, एक बार हम इसको इस x - 3 = 0 रखेंगे, इसके बाद इसको एक बार रखेंगे। ओके, x - 3 = 0। ओके, अब ये इक्वेशन हम रखेंगे x² + 3x + 10 = 0। अब क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे, x = ये माइनस में इधर आएगा इक्वल के इधर, तो प्लस में जाते x = 3, ये आ गया एक आंसर। एक और निकालते हैं, इसमें क्या करेंगे x = ये फॉर्मूला -b + -√(+-√)b² - 4ac/2a। ओके, इसी फॉर्मूला पर हम क्या करेंगे इसको अप्लाई करेंगे। मेरा a कितना है, a यहाँ पे 1 है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लिख लेती हूँ, a = 1 हो गया, b = 3 हो गया, c = यहाँ पे 10 है, 10 हो गया, c = ये इसी फॉर्मूला पर हम इसको
अप्लाई करके जो वैल्यू है पुट करेंगे, तो क्या है माइनस बी, माइनस बी बी कितना है, बी 3 है, तो माइनस 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, बी 3 है, 3 का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है 1 है, सी कितना है 10 है इंटू 10 बाई 2, ए कितना है 1 है इंटू 2 इंटू 1 हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 3 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, माइनस 4 वन जा 4, 4 टेन जा 40 बाई 2। ओके नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हो गया, अब माइनस 3 प्लस माइनस, अब ये 40 में से 9 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 31, इसमें से प्लस माइनस माइनस 40 बढ़ा है, 40 में माइनस का साइन है तो हम यहाँ पे माइनस का साइन लगा दिए बाई 2। ओके बाई 2 हो गया। अब आगे क्या करेंगे, हम आगे कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है, माइनस 3 हो गया प्लस माइनस हो गया, अब यहाँ पे ये जो माइनस का साइन है स्क्वायर रूट में अगर अंदर माइनस का साइन रहता है तो क्या बोलते हैं स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव, तो इसका क्या हो जाता है आई हो जाता है। ओके आई हो जाता है, आई हो जाएगा तो ये रूट बस 31 हो जाएगा बाई 2। ओके माइनस का साइन हट गया, अब यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारा ये आंसर हो गया। एक बार हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम वैल्यू सब लिख ले रहे हैं, x इज्क्वल टू यहाँ पे x इज्क्वल टू क्या है 3 आया है, यहाँ पे हमारा x1 हो जाएगा, x1 हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, x1 हमारा 3 हो गया, x2 एक बार ये हो जाएगा। ओके माइनस 3 प्लस आई रूट 31 बाई 2, अब एक बार x3 माइनस 3 माइनस आई स्क्वायर रूट 31 बाई 2। ओके ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ये हमारा 3 सॉल्यूशन हो गया 1 2 3। ओके अब इसको चेक करके देखते हैं कि हमारा आंसर जो आया है वो सही है या गलत है, राइट है या रॉन्ग है। मैं फर्स्ट एक्स का वैल्यू पुट करके देखूंगी और इसको हम चेक करते हैं, चेक क्या है क्वेश्चन में एक्स टू द पावर 3 प्लस एक्स इक्वल टू 30। ओके एक्स का मान हमारा क्या है, एक्स इक्वल टू मेरा 3 आया है। ओके एक्स इक्वल टू 3 है, मैं यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स की जगह पे मैं 3 रखूँगी। ओके अब क्या करेंगे हम, ये मेरा LHS हो गया इक्वल टू RHS हो गया। ओके ये एक्स टू द पावर 3 प्लस एक्स इक्वल टू 30, ये 3 है, एक्स इक्वल टू 30, 3 का क्यूब ओके प्लस 3 इक्वल टू 30, 3 का क्यूब क्या होता है 27 होता है, प्लस 3 इक्वल टू 30। ओके 27 में 3 ऐड करेंगे तो 30 हो जाएगा इक्वल टू 30, यानी हमारा क्या हो गया, हमारा जो आंसर है बिल्कुल दोनों इक्वल आया, तो LHS इक्वल टू RHS, यानी हमारा क्या हो गया, ये चेक हो गया, प्रूफ हो गया कि हमारा जो आंसर है एक्स का वैल्यू वो 3 है। ओके मैंने इस पे इस क्वेश्चन पे मैंने वैल्यू एक्स का वैल्यू पुट करके देख लिया, यानी हमारा आंसर एकदम बिल्कुल सही है, प्रूफ हो गया। ओके आई होप कि आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा, हमें मोटिवेट मिलता है ताकि हम आपके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट ला सकें। इसी तरह के और भी वीडियो हम लाते रहेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू ट्रिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।